हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलीमर सॉल्युबिलिटी के बारे में, साथ ही साथ हम इसके फैक्टर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ पॉलीमर्स को, ठीक है। तो पॉलीमर जो है वो डिजॉल्व करते हैं वेल इन सम सॉल्वेंट्स एंड डज नॉट डिजॉल्व इन अदर्स, ठीक है। तो कुछ सॉल्वेंट्स में हमारे पॉलीमर अच्छे से डिजॉल्व कर जाते हैं लेकिन कुछ में नहीं कर पाते, ठीक है। द फॉर्मर आर कॉल्ड गुड सॉल्वेंट्स एंड द लेटर आर टर्म्ड एज नॉन सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो जिनमें ये सॉल्युबल होते हैं उनको हम गुड सॉल्वेंट्स बोलते हैं और जिनमें नहीं कर पाते ये डिजॉल्व, ठीक है, उनको हम नॉन सॉल्वेंट्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, natural rubber dissolves spontaneously in benzene but is insoluble in water, ठीक है। तो मतलब कि ये जो हमारा नेचुरल रबर है ये एकदम से डिजॉल्व कर जाता है बेंजीन में, लेकिन वाटर में ये डिजॉल्व नहीं कर पाता है, इनसॉल्युबल रहता है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा नेचुरल रबर और बेंजीन है ये दोनों ही नॉन पोलर है, ठीक है, ये दोनों ही नॉन पोलर है, ठीक है, और नॉन पोलर को डिसॉल्व कर पाएगा, ठीक है। इस वजह से ये नेचुरल रबर बेंजीन में सॉल्युबल रहता है, वाटर में नहीं, क्योंकि वाटर पोलर है। दैट मीन्स इन सम केसेस द पॉलीमर एंड सॉल्वेंट पोजेस म्यूचुअल एफिनिटी व्हाइल इन अदर्स नो सच एफिनिटी एग्जिस्ट, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नेचुरल रबर भी नॉन पोलर है, बेंजीन भी नॉन पोलर है, दोनों के पास म्यूचुअल एफिनिटी है, ठीक है, दोनों ही नॉन पोलर है, इस वजह से नेचुरल रबर को डिसॉल्व कर पा रहा है। और नो सच एफिनिटी व्हाइल इन अदर्स, तो इसका मतलब ये है कि वाटर जो है वो पोलर है, इस वजह से जो हमारा वाटर है वो नेचुरल रबर को डिसॉल्व नहीं कर पा रहा है। द सॉल्यूशंस ऑफ पॉलीमर डिफर फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लो मॉलिकुलर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो जो हमारे पॉलीमर्स जो सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं उनका वो सॉल्यूशन डिफर करता है किससे, लो मॉलिकुलर मास सब्सटेंसेस के सॉल्यूशन से। हमें पता है हमारे पॉलीमर्स क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो इनका जो मॉलिकुलर मास है वो ज्यादा रहता है। द डिफरेंसेज आर दैट पॉलीमर्स अंडरगो स्वेलिंग बिफोर डिसॉल्विंग, पॉलीमर सॉल्यूशन हैव हाई विस्कोसिटी, दे अंडरगो स्लो डिफ्यूजन एंड कैन नॉट पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो हमारे पॉलीमर्स हैं ये डिसॉल्व करने से पहले स्वेलअप कर जाते हैं, ठीक है, इनमें स्वेलिंग होती है, उसके बाद ये डिसॉल्व करते हैं। तो जो हमारा पॉलीमर सॉल्यूशन है उसके पास हाई विस्कोसिटी होती है, इस वजह से ये स्लो डिफ्यूजन को शो करता है, ठीक है। तो मतलब कि विस्कोसिटी ज्यादा रहती है तो धीरे धीरे ये डिफ्यूज होगा एंड कैन नॉट पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस वजह से ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से भी पास आउट नहीं कर पाता। हमें पता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या रहती है, सिलेक्टिव रहती है, ठीक है। तो इसमें से छोटे ही पार्टिकल्स मूव आउट कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, बड़े पार्टिकल्स इसमें से पास आउट नहीं हो सकते। जैसे कि वाटर वो पास आउट हो जाता है, और क्योंकि हमें मैंने आपको यहाँ पे बताया कि विस्कोसिटी शो करते हैं ये, ठीक है, हाई विस्कोसिटी को ये शो करते हैं, इस वजह से ये पास आउट नहीं हो पाते सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दीज डिफरेंसेस आर बिकॉज ऑफ वेरी बिग साइज ऑफ द पॉलीमर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। स्वेलिंग अकर्स ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ पॉलीमर्स एंड द सॉल्वेंट, ठीक है। तो मतलब कि होता क्या है, स्वेलिंग इस वजह से होती है क्योंकि दोनों के ही पॉलीमर का साइज बड़ा है, सॉल्वेंट का साइज छोटा है, इस वजह से स्वेलिंग होती है। मतलब कि तो जो पॉलीमर है, द पॉलीमर मॉलिक्यूल्स आर थाउजेंड ऑफ टाइम्स बिगर देन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड हेंस हैव डिफरेंट मोबिलिटीज, तो इस वजह से मोबिलिटी भी इनकी डिफरेंट होगी। तो मतलब कि जो छोटा है, जिसका जो पार्टिकल साइज छोटा है वो जल्दी मूव करेगा और बड़े वाला थोड़ा धीरे धीरे मूव करेगा, ठीक है। तो इनकी मोबिलिटी पर ये डिपेंड करती है स्वेलिंग, ठीक है। तो मतलब कि अब सॉल्वेंट का पार्टिकल साइज छोटा है तो सॉल्वेंट एकदम से मूव कर जाएगा किसके अंदर, पॉलीमर के अंदर, इस वजह से वो सॉल्वेंट जो है वो पॉलीमर के अंदर मूव कर जाता है, उसकी मोबिलिटी ज्यादा है और इस वजह से हमारा जो पॉलीमर है स्वेलअप हो जाता है, ठीक है। दस Before dissolving a polymer absorbs a large amount of solvent and undergoes swelling, ठीक है। After some time the polymer chains move apart to a sufficient extent and diffuse slowly, ठीक है। तो फिर जिस तरह से फिर स्वेलिंग हो जाएगी तो फिर उसके कुछ टाइम बाद जो है जो पॉलीमर्स की जो चेन्स होंगी वो एक दूसरे से अपार्ट मूव करना शुरू करेंगी और धीरे धीरे डिफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ पॉलीमर्स बताए हैं, उनका नेचर बताया है और उनके लिए गुड सॉल्वेंट कौन है जिसमें वो सॉल्युबल होंगे और जिसमें नहीं होंगे नॉन सॉल्वेंट, वो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। पॉलीस्टाइरीन अमॉर्फस नेचर है, टोलेन में ये सॉल्युबल है, मिथेनॉल में ये इनसॉल्युबल है। ठीक है, मिथेनॉल में ये इनसॉल्युबल है। पॉलीमेथाइल मेथैक्राइलेट अमॉर्फस इन नेचर, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान में ये सॉल्युबल है और इनसॉल्युबल है मिथेनॉल में। और जो पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल है वो क्रिस्टलाइन है नेचर में, ये वाटर में सॉल्युबल रहता है लेकिन ईथर में इनसॉल्युबल रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फैक्टर्स की। फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ पॉलीमर्स को। ठीक है, मैंने 4 टाइप्स बताए हैं आपको। तो सबसे पहले है नेचर ऑफ पॉलीमर एंड सॉल्वेंट, कि दोनों का क्या नेचर है। द म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि वो तब ही सॉल्युबल हो पाएंगे जब उनकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी सेम रहेगी। ठीक है, जैसे कि नॉन पोलर को हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, तो वही फिनोमेना है यहाँ पे भी। द क्राइटेरियन ऑफ सॉल्युबिलिटी इज द सिमिलरिटी ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस लाइक वैन डेर वाल फोर्सेज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सेट्रा। तो इन पर भी ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि किस तरह के इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं उनके बीच में। For example, the non-polar polymers like polyisoprene, polybutadiene, etc. dissolve in non-polar solvent like benzene. ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया मैंने, polyisoprene ये नेचुरल रबर है, polybutadiene, ठीक है, तो ये दोनों नॉन पोलर हैं, इस वजह से ये नॉन पोलर बेंजीन में ही डिसॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पॉलीमर चेन। During dissolution, the polymer chains separate from each other and diffuse into the solvent. ठीक है, जब dissolution हो रही होती है, जब वो उसमें soluble हो रही होती हैं, ठीक है, chains, तब वो separate हो रही होती हैं एक दूसरे के साथ और diffuse होती हैं into the solvent. लेकिन अगर हमारी chains क्या रहेंगी, flexible रहेंगी। If chains are flexible, the adjacent chains can move apart easily without spending much energy on separating them. ठीक है, तो अगर फ्लेक्सिबल होंगी चेन तो ज्यादा एनर्जी स्पेंड नहीं करनी पड़ेगी उनको अपार्ट मूव करने के लिए, वो एकदम से सेपरेट हो जाएंगी और सॉल्युबल हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन पोलैरिटी एंड क्रॉस लिंकिंग कॉज रिजिडिटी इन द चेन्स। लेकिन अगर पोलैरिटी होगी और क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट होगी चेन्स में तो वो उनको रिजिड बना देती है। ठीक है, रिजिड बनने की वजह से वो आसानी से सॉल्युबल नहीं हो पाती है, उनको ज्यादा एनर्जी लगती है सेपरेट करने के लिए। ठीक है, सच पॉलीमर्स स्वेल रेडली इन polar solvents but do not dissolve in them at room temperature. ठीक है, तो उस तरह के पॉलीमर जिनमें की क्रॉस लिंकिंग और पोलैरिटी पाई जाती है जो उन्हें रिजिड बना देती है, वो पॉलीमर स्वेलअप तो हो जाते हैं, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट के साथ, लेकिन वो डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ऐसे पॉलीमर स्वेलअप तो हो जाते हैं लेकिन डिसॉल्व नहीं कर पाते हैं रूम टेम्परेचर में कंप्लीटली। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या रहता है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल इन डाईमिथाइल फॉर्मामाइड इज एग्जांपल ऑफ सच सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिस्टलाइन नेचर ऑफ पॉलीमर्स की। इन द dissolution of crystalline polymers, large amount of energy is required to destroy the crystal lattice. ठीक है, हमें पता है कि क्रिस्टल्स जो है वो हाईली ऑर्डर्ड फॉर्म होती है पॉलीमर्स की। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए। Therefore, at room temperature, crystalline polymers are insoluble even in the solvents of similar polarity. ठीक है, तो चाहे हमने सेम पोलैरिटी का ही सॉल्वेंट क्यों ना लिया हो, तब भी वो इनसॉल्युबल होंगे उसमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एट 20°C पॉलीइथिलीन स्वेल्स इमीडिएटली इन एन हेक्सेन बट डिसॉल्व इन इट ओनली ऑन हीटिंग। ठीक है, टेम्परेचर The solubility of a polymer may increase or decrease with increase in temperature. ठीक है, तो solubility जो है polymer की वो या तो increase भी कर सकती है या decrease भी कर सकती है with increase in temperature. Some polymers जो है वो dissolve कर जाते हैं better on heating, while others dissolve better when cooled in the same solvent. ठीक है, तो कुछ cooling में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, तो वो टेम्परेचर वेरी करता है अलग अलग पॉलिमर के हिसाब से. ठीक है, सो फ्रेंड्स, होप आपको अच्छे से समझ में आया हो सारा टॉपिक. इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को. टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय.